गाइस चैनल में हाय गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल सीमा बेजवानी व्लॉग्स। तो गाइस ये मेरा बर्थडे व्लॉग है। सॉरी आप लोग गालियां दोगे कि बर्थडे तो आपका हो गया और आप व्लॉग कितना लेट लेट डालते हो। तो गाइस क्या करें, इतना काम होता है और नवरात्रि थी तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। नवरात्रि में पूरी रात गरबे खेल के आओ, सुबह को काम करो, फिर सो जाओ, पूरा शेड्यूल ऐसे ही चल रहा था। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और अब से ब्लॉग पूरा देखो। तो ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारे ट्रफी के साथ। हम लोग गए थे प्री बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए, माम का फास्ट था तो उनको पहले ही पार्टी देनी थी। उसके बाद आपको ये ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है, पूरा ब्लॉग देखना। कितना प्यार है हमारी सोसाइटी में, कितने सपोर्टिव लोग हैं, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, तो पूरा ब्लॉग देखें। गाइज अभी हम निकल चुके हैं कैफ़े के लिए, आज हम जा रहे हैं पार्टी मनाने के लिए। और वैसे भी हम कैफ़े वगैरह में जाते रहते हैं पर हम आज स्पेशली टफ़ी के लिए ऐसे कैफ़े में जाएंगे जहाँ पे टफ़ी भी चल सके। तो गाइज ऐसे कैफ़े में हम चॉइस करते हैं जहाँ हम टफ़ी को ले जा पाए, क्योंकि ये हमारे मेंबर फैमिली का बहुत ज़्यादा ख़ास इंसान है हमारे फैमिली का। कभी भी अपने पैट्स को पैट मत समझना, वो आपके फैमिली मेंबर से कहीं ज़्यादा बढ़कर हैं, क्योंकि इन्हें थप्पड़ मारोगे तो भी इनसे आपको प्यार ही मिलने वाला है। तो हमारा टफ़ी जब बाहर आता है ना तो हम सबको इग्नोर करता है, भाई इसको ऐसे लगता है अपनी मर्जी से चलूँगा, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मुझे अपने हिसाब से घूमने दो। और गाइज इस कॉफ़ी में ऐसा क्या था 170 में, मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर मैं अपने नेल्स देख देख के खुश हो रही थी कि यार मैं नेल्स करना फाइनली सीख गई। और ये है यहाँ की कॉफ़ी जो हमने ली, 170 गए हमारे पानी में, अच्छा नहीं लगा हमें। फिर ये ब्राउनी जो हमें एक चम्मच भी बराबर से नहीं आई, पता नहीं क्यों। फिर ये देखो टफी हम आज आपकी ब्लॉगर का हैप्पी बर्थडे है। तो गाइस आज मेरा है बर्थडे और हम हुए हैं अभी 26 इयर्स के, 25 ओके जो भी बोलना हो बोल दो, अब मुझे बता रनिंग हुआ। अरे अभी जो भी हुआ तो गाइस आज आज ये देख सकते 1K अभी तक लगा हुआ ही है। और अभी हम है ना घूम के आए, उसके बाद हम घर आके भगवान से मिले और आज है नवरात्रि, तो हैप्पी नवरात्रि माता को। और आज नवरात्रों का दिन है और मेरा बर्थडे है, तो भगवान भी मेरा बर्थडे अपने दिन पर ही मनाने को कहता है। तो गाइस अभी हो चुकी है रात, 12:30 रात के हो रहे हैं, 12:22 और हमने व्लॉग स्टार्ट किया है। अभी सुबह को रेडी वेडी होंगे मस्त, और हमने कपड़े अपड़े पड़े हैं वही पहनेंगे, फिर नए कल लेने जाएंगे, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। तो पूरा व्लॉग देखना, थोड़ा भी स्कीप मत करना, सारे मेरे बर्थडे की डिटेल्स देंगे यार। तो आइए, नए हैं तो आज गिफ्ट में लाइक। और गाइज आज का जो दिन है वो हम आपके साथ सारा शेयर करेंगे। और अम्मी जी देखो पूरा दिन इनको मोबाइल में ही रहना होता है, कोई बात करे कुछ भी करे पर मोबाइल बहुत ज़रूरी है। का सीन कुछ ऐसा है, अभी हो रहे हैं 9:45 और मैं हो चुकी हूँ रेडी। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, संडे है फिर भी जल्दी उठ गई थी क्योंकि मेरा बर्थडे है। और अभी मैं देखो रेडी हो चुकी हूँ, ये है मेरा आउटफिट। ये अम्मी जी ऐसे ही बैठे हैं, इनको थोड़ा इग्नोर करना। तो अच्छा, क्यों? ये ऐसे गंजी में बैठे हैं ना इसके लिए ऐसे। तो गाइस देख सकते हो मैं हो चुकी हूँ पूरी तरह से रेडी, और मैंने अपने फ़ोन को भी आज न्यू कपड़े पहनाए हैं क्योंकि मेरा बर्थडे है, तो इसका भी बर्थडे है क्योंकि ये मुझे बर्थडे पे गिफ्ट मिला था को, पर है तो मेरी बर्थडे गिफ्ट ही। तो दूसरे साल अम्मी जी लेके देंगे दूसरा फ़ोन, अभी दूसरे साल कौन सा लेके देंगे, 14 तो चला जाएगा अगले, अभी 15 आ गया है भाई अल्लाह। तो गाइस चलो मैं हो चुकी हूँ रेडी और हमने पूजा वूजा कर ली है, और अभी हम जाएंगे मंदिर की काफ़ी सारी चीज़ें लेने। आज हैप्पी बर्थडे है तो सबसे पहले आज का पूरा दिन जो है वो भगवान को टाइम देंगे, और हैप्पी नवरात्रि है माता रानी की। तो ये देख सकते हो आज का जो आउटफिट है, ये मॉर्निंग आउटफिट है, नाइट का आउटफिट अभी अमित जी मुझे लेके देने चल रहे हैं, क्या बात करें, सही है ना। तो ये ऐसे ही बैठे हैं रेडी होंगे जब तक मैं जा रही हूँ मार्केट चीज़ें लेके आने के लिए। तो भाई सुबह सुबह को ये कुछ लोग चौट गए हमको, फोटो नहीं निकालने दे रहे हैं। अच्छा, अच्छा। फोटो नहीं निकालने दे रहे हैं, आईफोन 11 लेके दे रहे हैं तेरे को अभी।
तो गाइज अभी मंदिर के लिए प्रसाद हार वगैरह सब ले लिया है और सबसे पहले हम गुरु के पास अरदास करवाने आए हैं। एवरी बर्थडे हम अरदास करवाते ही हैं। तो गाइज ये हैं हमारे सारे भगवान जी, सब रेडी हो चुके हैं बहुत अच्छे से, अभी घर जाके पड़े हैं, जाके सबको रेडी करना है घर पे भी। तो गाइज फाइनली अभी सब जगह से घूम फिर के थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी, उसके बाद रेडी होंगे फिर कपड़े लेने जाएंगे। एक्चुअली मैं सिरात की वजह से, ये मैंने एक ड्रेस सिरात से पहले ले लिया था और अभी मुझे रात को पार्टी के लिए कोई ड्रेस पहनने के लिए नहीं है, तो सबसे पहले अभी पार्टी वाली ड्रेस लेने जाएंगे। मतलब ड्रेस है एक लेकर आई हूँ, बट वो अकॉर्डिंग टू नवरात्रि अच्छी नहीं लगेगी, तो अभी दूसरी ड्रेस लेने जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, फिर बताते हैं आपको। और आप अपने बर्थडे के दिन क्या क्या करते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। गाइस सारे भगवान हमारे रेडी हो चुके हैं, देख सकते हो मेरे लाल साईं जी, ये माता गणेश जी, महाकाल, कृष्ण भगवान, लक्ष्मी माँ, धन्वंतरी देव, ये देखो साईं बाबा, भोले बाबा, सारे लोग रेडी हो चुके हैं। तो गाइस इनका आशीर्वाद ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो सबसे पहले कोई भी फेस्टिवल होता है मैं टाइम निकालती हूँ कि पहले मैं अपने भगवान को वक्त दूँ, फिर तो पूरा दिन पड़ा है घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। ये देखो बाहर बहुत ज़बरदस्ती धूप हो रही है बाहर, तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद हम जा रहे हैं घूमने। निकल चुके हैं घूमने। सबसे पहले अभी हम ले लेंगे हमारे नाइट का आउटफिट। ज्यादा समोसा खाया था सुबह को, अभी हम आ चुके हैं शंभूस में, यहाँ तो हम वैसे भी आते रहते हैं। अभी हम जा रहे थे घूमने तो रास्ते में लगी अम्मी जी को बहुत सारी भूख, तो अम्मी जी ने बोला कि चलो मुझे कुछ खिला दो, तो आज पार्टी मैं दे रही हूँ। तो गाइज अभी मैं खा रही हूँ इडली वड़ा, आज मुझे थोड़ा हल्का फुल्का खाना है, और मंगवा दिए सैंडविच, तो अभी ये खा लेंगे। तो गाइज अभी हमारा कुछ ऐसा सीन हुआ है, देख सकते हो मैं बर्थडे के दिन ऑटो में घूम रही हूँ। हम आए थे सीजी रोड पे कपड़े लेने के लिए, तो काफ़ी सारी शॉप्स ढूंढने के बाद भी मुझे कोई अच्छे कपड़े नहीं लगे, और अम्मी जी हो गए हैं फुल गुस्सा, क्योंकि हमने जहाँ कार रुकाई थी वो पार्किंग थोड़ी यहाँ से दूर है, हमने पैदल किया बहुत सारा, ऑटो में बैठे हैं फिर भी हमें हमारी पार्किंग नहीं मिल रही है, तो कपड़ों के चक्कर में ये हो गया हमारे बर्थडे का आधा दिन पूरा। गाइस आज पहली बार हमारी गाड़ी हो गई थी वो, मतलब हमने जहाँ रुकाई थी वहाँ से पता ही नहीं चला, हमने कहाँ रुकाई उसको ढूंढते ढूंढते हमारी जान निकल गई, और अब जाके जहाँ हमने रुकाई थी वो पार्किंग मिल गई। तो गाइस पूरा दिन घूमने के बाद ये हो गई हमारी हालत, और हमें कपड़े तक अच्छे नहीं मिले, इतनी सारी दुकानें घूम ली। और ये अम्मी जी देखो, कुछ कहना चाहोगे? कुछ भी नहीं, कुछ तो बोल दो, बोलो बोलो, अरे थोड़ा तो बोलो, कैसा लगा आपको मेरे साथ घूम के? बहुत अच्छा, पैदल कितना अच्छे से किया, बहुत अच्छे, ऑटो का चक्कर भी खा लिया आज। तो गाइस इतना ज्यादा घूमने के बाद भी हमको कपड़े नहीं मिले कहीं अच्छे, किस किस के तरह ऐसा होता है कि जिस दिन हमें कपड़े लेने होते हैं उस दिन नहीं मिलते हैं, और जब नहीं लेने होते हैं तो बहुत सारे अच्छे लगते हैं। तो गाइस फाइनली हमें हमारे कपड़े मिल चुके हैं बहुत मेहनत के बाद, और ये है हमारी सोसाइटी बहुत ज़बरदस्ती रेडी हो चुकी है। गाइस तो माँ का भवन रेडी हो चुका है, देख सकते हो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा नवरात्रों में बर्थडे आता रहता है, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। ये मेरा बर्थडे का केक है, और ये गुड्डू लाया है चाची के लिए, बोले चाची मैं केक लेके आता हूँ आप घर पे आके केक काटो, तो थैंक यू गुड्डू। फाइनली घर आ चुकी हूँ, ये साईं कृपा और ममता से मेरा आउटफिट आ चुका है, तो अभी हम आउटफिट चेंज करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे।
तो गाइज अभी मैं देखो रेडी हो चुकी हूँ। ये है मेरा सेकंड नाइट सूट नहीं मतलब वो आउटफिट। आज गाइज इतना आउटफिट के चक्कर में ढूंढे, इतना घूमे ना कि दिमाग खराब हो गया। और अभी हमने माता रानी को दिया वगैरह भी कर लिया है। आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं तो हमारी पूजा भी शुरू हो चुकी है। अभी हम फटाफट से रेडी तो हो चुके हैं, अभी हम जाएंगे, उससे पहले केक काट लेंगे। मम्मी पापा आ रहे हैं केक कटवाने, फिर केक काटेंगे, फिर हम चल रहे हैं पार्टी पे। तो अब से पूरा व्लॉग देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो गाइज ये है स्पेशल केक जो कि मैं अपने घर के मंदिर में काटूंगी अपने भगवान के साथ और अमित जी के साथ। सारे फ्रेंड्स सोसाइटी वाले आ चुके हैं, अभी हम केक काटेंगे मम्मी पापा विशाल के साथ भी। हैप्पी बर्थडे टू माय आलसी गडो गुडो।
तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो गाइज अभी नवरात्रि का डे है तो घर पे करने भी ज़रूरी है। बहुत सारी डांस कर ली, मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाया सब लोगों ने। थैंक यू सो मच, आप सब आए मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाया। आई एम प्राउड टू माय सोसाइटी, माय फैमिली, ये लोग जो हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाते हैं। और शायद कोई मेरे अच्छे कर्म होंगे कि मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग अपनी लाइफ में मिले हैं। अब हो रही है माता की आरती। तो अभी हमने माँ भवानी के आशीर्वाद से अपने दिन की शुरुआत की थी और अपने दिन की लास्ट तक हम भगवान से मिलके ही जाते हैं। मोस्ट ऑफ मेरा ऐसा ही होता है। तो गाइस अभी हो गई है रात और मेरा बर्थडे जो है अभी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया है। तो भगवान के करो करो धन्यवाद। कैमरा मैन फोकस करो।
कैमरामैन फोकस करो, कौन आए हैं आज? नाम तो सुना होगा। सुने सुने। पूरा मेरा गिला दो। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सीमा, हैप्पी बर्थडे टू यू। और गाइज ये वाला जो केक है ये मेरी फ्रेंड ही बालानी लेकर आई थी, तो थैंक यू सो मच। ये मेरी फ्रेंड हमेशा मेरे लिए केक लेकर ही आती है। तो गाइज ये मुझे गिफ्ट मिला है ओम शांति ओम सोसाइटी की तरफ से, माता रानी हैप्पी बर्थडे सीमा। तो लेट्स ओपन इट। तो गाइज ये वाला गिफ्ट निकला है, इसमें से बहुत पसंद आई मुझे ये गिफ्ट, क्योंकि मुझे हॉट पॉट्स बहुत अच्छे लगते हैं और सबसे ज़्यादा मैं हॉट पॉट्स यूज़ करती हूँ एवरी डे। मेरे घर में हॉट पॉट तो यूज़ मोस्ट ऑफ तो होते ही हैं, तो काफ़ी अच्छा सा हॉट पॉट लगा हमको, तो थैंक यू सो मच चेयरमैन अंकल। तो काफ़ी अच्छी गिफ्ट है ये, सारी चीज़ें गर्म पड़ी रहेंगी, तो बहुत अच्छी लगी मुझे ये नैनो 9। चलो यूज़ करेंगे अब हम इसे। जय माता रानी। तो गाइज अभी फाइनली मैं हो गई हूँ फ्री, मैंने कपड़े चेंज किए, मेकअप रिमूव किया, तो फाइनली हमारा बर्थडे हो चुका है कंप्लीट। मतलब ऑलमोस्ट अभी रात के 3:30 बज रहे हैं, 3:26 हो रहे हैं और मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं जस्ट फ्री हुई हूँ। पूरा घर वर क्लीन किया, कपड़े चेंज किए, मेकअप रिमूव किया, ये देख सकते हो अभी हो रहे हैं रात के 3:30। यम्मी जी भी मेरे साथ बेचारे जाग रहे हैं, परेशान कर दिया है, परेशान कर नहीं दिया, खुद के काम में जाग रहे थे। ये देखो लाइट कैसे बंद कर दी, देख लिए बंदे के लक्षण। तो गाइस देख सकते हो अभी हम सो रहे हैं, तो गॉड का धन्यवाद इतना अच्छा दिन गया हमारा, बहुत अच्छा दिन था। चलो अच्छा है। और आज एक इंसिडेंस हो गया, हमने पूरा सेलिब्रेशन किया, पार्टी करी, पर उसका वीडियो नहीं निकला। ये सब नीलू भैया की वजह से हुआ है। नीलू भैया को लगा वीडियो निकल रहा है, पर उनको पता नहीं था कि वीडियो ऑन ही नहीं था। चलो हो जाता है, अभी उन्होंने जानबूझ के तो ऐसा नहीं किया, बट बहुत मुझे मन में हुआ कि यार इतना अच्छा वीडियो था। चलेगा कोई बात नहीं, पूरे दिन में कुछ भी हो जाता है, चलेगा। चलो फिर भी ये वीडियो की बात है, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। आप सब लोगों को भी थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी सारी विशेस दी, जिन लोगों ने बहुत सारी विशेस भेजी है व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, किसी भी सोशल मीडिया की तरफ से, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यूट्यूब से बहुत अच्छा लगा। तो गाइस हमेशा ऐसे ही प्यार दीजिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें बहुत प्यार दीजिए। अभी कल सुबह में मिलते हैं, चलिए बाय बाय गुड नाइट, फिर कल सुबह में फिर से मिलेंगे। आई होप गाइज आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बर्थडे की सेलिब्रेशन आप लोगों ने देखी होगी। तो गाइज अगर आपका भी बर्थडे हो तो आप अपना आधा वक्त तो भगवान को दे ही सकते हो, आधा नहीं थोड़ा वक्त तो दे ही सकते हो। हमारे घर पे हर चीज़ की शुरुआत हमारे भगवान से होती है, क्योंकि उनके बिना सब अधूरा है। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, हमारी उम्र कम होती है, बट मैं ये सोच के बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती हूँ। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि भगवान ने आपको एक साल और दिया है, अपना एक साल आपने और जी लिया है, तो उसका सेलिब्रेशन करना चाहिए। देखो ये मैं पूरा साल जीने वाली हूँ, तो नेक्स्ट ईयर मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी, तो मुझे उस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि चलो भगवान एक बर्थडे और बख्श दिया, मैं मना तो पाऊँगी। तो हमेशा अपना बर्थडे एंजॉय किया कीजिए, अपने अपनों की खुशी को बरकरार रखा कीजिए। और सबसे थैंक यू सो मच मेरी फैमिली, मेरी सोसाइटी का, वो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना स्पेशल फील करवाते हैं। और जो मेरी फ्रेंड है हीर बालानी, वो मुझे अच्छे अच्छे वीडियोस फ़ोटोज़ भी निकाल के देती हैं, और मेरी भाभी है वो भी, बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस फ़ोटोज़ निकाल के देते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अगर वो मेरे वीडियोज़ फ़ोटोज़ नहीं निकाल के देंगे तो मैं आप तक कैसे पहुँचाऊँगी, तो उन लोगों का भी बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे फैमिली का, हमारी सोसाइटी का, जो मेरे हर सेलिब्रेशन का पार्ट बनते हैं, विदाउट एनी क्या मतलब एक स्वार्थ के। उनको ऐसा नहीं होता है कि हम लोग YouTube पे आएंगे, नहीं, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरा साथ देते हैं,
और ऐसी सोसाइटी बहुत किस्मत वालों को मिलती है। एक बहुत स्पेशल ब्लॉग है हमारी सोसाइटी का जो मैं जल्दी रिवील करने वाली हूँ, वो तो आप हमेशा मतलब याद रखोगे कि ऐसी भी कोई सोसाइटी होती है, तो वो ब्लॉग भी ज़रूर देखना। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब तो जल्दी से करना, देर मत लगा, जल्दी लाइक सब्सक्राइब कर दो, मेरे बर्थडे की गिफ्ट में यही दे दो। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी होनी चाहिए एक दिन मेरा यही। तो गाइज आप लाइक सब्सक्राइब करोगे यही मेरे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट हो जाएगी मेरे बर्थडे की। आपका प्यार हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहे मैं यही चाहती हूँ। आप भी दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करना, भगवान को हमेशा रिस्पेक्ट देना। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि ऐसा वैसा, भगवान को इतना मानते हो, अरे यार मानना पड़ता है, उन्होंने हमें ज़िंदगी दी है और हमें उन्हें हमेशा प्यार देना चाहिए, हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं होना चाहिए कि आपके घर का भगवान भूखा बैठा हो बिना प्रसाद के, बिना हार के। तो गाइस प्लीज़ हमेशा अपने मंदिर को मेंटेन करके रखिएगा। मैंने बड़े बड़े घर देखे हैं जहाँ मंदिर मेंटेन नहीं होते हैं, पर प्लीज़ मंदिर को मेंटेन कीजिए, अपने भगवान को मेंटेन करके रखा कीजिए, कुदरत आपको मेंटेन रखेगी। तो थैंक यू सो मच आज के लिए, आपने आज इतना वक्त निकाला, मेरा व्लॉग देखा। हमेशा हमें हमारा प्यार आपके साथ बांटते रहेंगे और आप अपना प्यार हमारे साथ बांटते रहिएगा। थैंक यू सो मच, और हम दुआ करेंगे आपका भी जन्मदिन बहुत अच्छा मनाते रहें आप लोग, और हमें भी दुआ कीजिएगा।